आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, जो बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और बहुत अच्छी होती है। देखिए, इसके लिए मैंने लिया है लौकी और ये टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और ज़ीरा। लौकी हमारी हाफ के जी है। और देखिए, मैंने इसमें कुकर में डाल दिया है सरसों का तेल। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को फ्राई कर लेंगे। जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। और ये रेसिपी गाइस बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत टेस्टी भी होती है। जो लौकी नहीं खाते वो लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर खाएंगे। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। ज़ीरा डालने के बाद हम सारी लौकी को इसमें डाल देंगे। लौकी तो वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है और गर्मियों में तो ये ठंडी भी होती है और अच्छी भी रहती है खानी। बहुत लाइट होती है, ऐसा हैवी खाना नहीं है, बहुत लाइट होता है ये। तो फिर हम इसे लौकी को ऑयल में डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको पहले सबको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा इसे फ्राई करेंगे। और गाइस, इस रेसिपी में मैं पानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ। पानी आप भी मत डालना, क्योंकि टमाटर और लौकी दोनों में से ही पानी खुद ही निकलता है, उसी में गलाती है, उसी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। अब हमने यहाँ टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दी है। एक्स्ट्रा कोई मिर्च भी डालने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब मिर्च आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप जितनी तीखा खाना चाहें आप इतनी हरी मिर्च डाल सकते हैं। मैंने मीडियम डाला था बस। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्ज़ियों में ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने पहले कम ही डाला था, बाद में अगर कम लगे तो और इसमें ऐड कर सकते हैं। अब टमाटर और मिर्च डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी देखिए मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है। अब हम कुकर को बंद करके इसे मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे और चार सीटी आने तक हम इसे गैस पे ही रखा रहने देंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं। चार सीटी आने पे देखिए मैंने कुकर खोल लिया था और देखिए कितना अच्छा ये लौकी की सब्ज़ी बनी है और कलर भी इतना अच्छा आया और ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी होती है। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। अगर बच्चे, बड़े, जो भी लौकी नहीं खाते हैं वो इसे ज़रूर ही खाएंगे। आप एक बार ट्राई करना।